Welcome, Aniket, and many, many congratulations for clearing your law examination. Thank you, ma'am. And Aniket, I just wanted to ask ki, what was your first step? Jab aapne socha, because in 12th you had prepared for this exam and you cleared it. So what was your first step when you thought to prepare for this examination? Ma'am, my first step was that I was searching for a good institute. Then I came to know about your Ambition Law Institute. So ma'am, I think I made a very good decision, great decision that I came into your institute, and ma'am, through your guidance, now I am here. Okay. So Aniket, as you know that even this the whole year and from past 2 years we can say the situation is something very different. Pandemic is going on and even students are not allowed to go for offline classes. So अभी जो students demotivate होते हैं अपने exams को लेके कि कैसे preparation करना है, तो मैं चाहूँगी कि आप अपने एज ग्रुप या अपकमिंग जो एस्पिरेंट्स हैं 11th क्लास 12th क्लास स्टूडेंट्स को आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस आर हाउ मच हेल्पफुल फॉर देम. मैम, पहले तो इट्स जस्ट अ मिथ कि ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई नहीं होती. ऑनलाइन क्लासेस आर वेरी गुड, वेरी दे आर द बेटर, इवन आई कुड से बेटर देन क्लासरूम. मैम, एम्बिशन की जो क्लासेस थी आपके इंस्टीट्यूट की, मैम दे वर वेरी गुड. मैम सर इतने जो थे, मैम हमको आफ्टर द क्लास भी हमको समझाते थे चैट्स पे पर्सनली. और मैम ऑनलाइन से ऐसा कुछ अफेक्ट नहीं, कुछ चेंज नहीं लगा. मैम बहुत अच्छे से समझाया जाता था हमको. ओके, सो जैसे कि अब आपको पता है कि हमारा जो ये लॉ का एग्ज़ाम होता है 12th के बाद, हमें जो भी हमारी स्ट्रैटेजी होती है तो उसमें हमारे 5 पोर्शंस होते हैं. तो हाउ यू मैनेज योर टाइम टू प्रिपेयर फॉर दीज डिफरेंट 5 सेक्शंस. मैम फर्स्ट तो पहले तो मैम जो कोचिंग थी हमारी जो 4 to 5 आवर्स आई थिंक से होती थी डे में बोल लेते थे. फिर मैम उसके बाद डेली हमारे मॉक टेस्ट होते थे मैम, वो दे वर वेरी हेल्पफुल द मॉक टेस्ट. तो मैम उसमें सब कुछ कवर हो जाता था, कवर हो जाता था. तो मैम ऐसे करके, और मैम वैसे मैं 8 AM सुबह उठता था, तो मैम 10 आई वुड स्टडी. मैम आई इवन स्टडीड फॉर 12 आवर्स अ डे. एग्जाम क्लियर हुआ है, अब आगे आपकी ऑब्वियसली एक जर्नी स्टार्ट होगी इन द करियर ऑफ लॉ. So, what are your future perspectives? अब आगे क्या सोचते हो कि अब आगे क्या करना है? मैम अभी तो अभी कॉलेज में जाएंगे, पढ़ेंगे 5 years law, then I'll go for judiciary, I'll prepare for judiciary and I want to become a judge. Okay. So, in last Aniket, मैं बस ये पूछना चाहूँगी कि अगर फ्यूचर अपने जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको तुम अपनी तरफ से क्या एक सजेशन देना चाहोगे, कोई वन वर्ड वन स्टेटमेंट कि जो भी तुम्हें लगता है जिस वजह से वो लोग जो तुम्हें भी अफेक्ट करी जो चीज़ें, कि उन्हें क्या करना चाहिए अपने प्रिपरेशन में, क्या नहीं करना चाहिए? जस्ट ब्लाइंडली फॉलो ऑल व्हाट द टीचर्स से ऑफ एम्बिशन, दे आर वेरी गुड. और जो पढ़ाएं सिर्फ उतना ही पढ़ो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे ज़्यादा ध्यान दो. और जो वैसे तो मॉक टेस्ट में और सब कुछ कवर हो जाता है जो ये डेली मॉक टेस्ट कराते हैं. दैट्स इट, ऑल द बेस्ट. एंड एट लास्ट मैं चाहूँगी कि क्रेडिट गोज टू To whom? Ma'am, credit goes to first of all my parents and teachers. All the credit goes to just to both of them. I have done nothing, ma'am. No, Aniket, you have done your preparation and follow the guidance, which is very important. So, and once again, thank you so much, Aniket, for being here. Thank you so much.